हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको कुछ स्पेशल बताने वाला हूं जो कि आपकी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो चलिए, वो क्या चीज़ है मैं आपको बताता हूं। आज की जो फॉर्म की जो वीडियो है, आज इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि आप कैसे गूगल फॉर्म क्रिएट करते हैं, गूगल फॉर्म का क्रिएट करने का मतलब क्या होता है और इसका यूज़ क्या होता है, ये भी मैं आपको बताता हूं। जैसे कि आप समझिए कि आप वेबसाइट्स जानते हैं, आप वहां पे जाके अपना क्या करते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं। फिर वो रजिस्ट्रेशन जब आप करते हैं तो आपका जो डेटा होता है वो उस कैंडिडेट के पास पहुँच जाता है जो रिक्रूटमेंट निकालता है चीज़ों की। समझ रहे हैं आप मेरा कहने का मतलब? सीधा सा अगर मैं समझाऊँ आपको कि ये समझिए कि अभी जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो एक्चुअली क्या है, गूगल फॉर्म। इसका मतलब ये होता है कि अगर मैं ये कहूँ कि आपको एक वेबसाइट बनानी है, आपके पास पैसे नहीं हैं और आप चाहते हैं उसमें से रजिस्ट्रेशन करना लोगों का, तो वो कैसे ऑनलाइन कर सकते हैं आप, वो किसकी मदद से? गूगल फॉर्म की मदद से। तो ये जो गूगल फॉर्म है ये कैसे, मतलब ये चीज़ को स्टार्ट करता है और कैसे इस चीज़ को एंड करता है, ये पूरी प्रोसेस हम आपको इसमें छोटे से वीडियो में बताएंगे। अंत तक देखिएगा, आपके लिए बहुत यूज़फुल हो सकती है। जैसे कि आप समझिएगा, यहाँ पे हम फ्री वेबसाइट की तरह इसको यूज़ करेंगे और हम वेब होस्टिंग खरीदते हैं एक्चुअली। तो वेब होस्टिंग ना खरीद के हमको जो गूगल 15 GB का ड्राइव प्रोवाइड कराता है, हम उसी ड्राइव को अपना वेब होस्टिंग बना लेते हैं। तो ऐसी फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है गूगल। तो याद रखिएगा, गूगल भी बहुत सारी फंक्शनैलिटीज़ आपको प्रोवाइड करता है बट आपको उस चीज़ का नॉलेज नहीं है। आज हम उस चीज़ को कवर करने जा रहे हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए और सबसे पहले हमारे चैनल को कर लीजिए नीचे सब्सक्राइब। नीचे रेड कलर की बटन दिख रही है, उसको दबा लीजिए। तो चलिए देखते हैं, आज मैं आपकी इस वीडियो को स्लोली बाय स्लोली प्रोसीड करूँगा, क्योंकि अगर मैं तेज़ बताऊँगा तो आपको ये काफ़ी कम समझ में आएगा, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ मैं कवर करने जा रहा हूँ। तो ये देखिए, आपको यहाँ पर लिखना है गूगल फॉर्म, गूगल फॉर्म में सिंपली ऑन करना है, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए, जैसे ही हम गूगल फॉर्म में ओपन करते हैं तो हमको यहाँ दो चीज़ देखने मिलती है, एक मिलती है पर्सनल, एक मिलती है बिजनेस। अगर आप बिजनेस के लिए करना चाहते हैं, जैसे कि आपका काफ़ी बड़ा बिजनेस है, तो फिर उसके लिए मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ कि आपको ड्राइव 15 GB तो गूगल दे दिया है कि आप फ्री यूज़ कर सकते हैं, बट अगर आप उससे ज़्यादा लेना चाहते हैं अपने बिजनेस पर्पज़ के लिए, तो उसके लिए आपको और भी ख़रीदना पड़ेगा। उस वक्त आपका पैसा लगेगा जब आप गूगल की ड्राइव को इंक्रीज़ करते हैं। वो कैसे करते हैं गूगल की ड्राइव इंक्रीज, वो भी मैं आपको एक वीडियो में बता दूंगा क्लियरली, बट इस वीडियो में सिर्फ में जो 15 GB मिली है उसको यूज कैसे करना है एज अ वेब होस्टिंग, वो मैं आपको बता रहा हूं। तो यहाँ पे देखिए, हमको जाना है गो टू गूगल फॉर्म। जैसे ही आप गो टू गूगल फॉर्म में जाते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपके पास ये काफ़ी सारे ऐसी सामने यहाँ पे प्रीसेट्स दिखते हैं जो बने बनाए पहले से हैं। तो आप चाहें तो पार्टी ले सकते हैं, आप चाहें तो ब्लैंक ले सकते हैं। जैसे कि देखिए, मेरा एक मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे कि आप कई बार देखेंगे कि आपको काफ़ी सारे देखने मिलते हैं, तो वैसे ही मैं अगर यहाँ पे दिखाऊँ तो मैं आपको एग्जांपल के दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये मेरा एक लिंक है, किराना शॉप सुहागपुर। मैंने ये इसलिए बनाया है क्योंकि अभी क्या चल रहा है, लॉकडाउन, और लॉकडाउन के वक्त क्या है कि कोई भी तो कंपनी खुली नहीं है या कोई भी वेबसाइट खुली नहीं है। तो हम क्या किए हैं, गूगल फॉर्म का रजिस्ट्रेशन यूज़ करके हमने एक सिंपल सा किराना शॉप के नाम से हमने एक फॉर्म बना लिया है। तो आप अपना फुल नाम दीजिए, मोबाइल नंबर दीजिए, एड्रेस दीजिए और जो प्रोडक्ट आपको ख़रीदना है वो प्रोडक्ट का नाम लिखिए और उसका सबमिट कर दीजिए। तो ये जो कोई भी व्यक्ति इसको सबमिट करेगा तो वैसे ही हमारे पास उसकी रिक्वेस्ट आ जाएगी, हमारे किस में आ जाएगी, ड्राइव में। हमारे कौन से ड्राइव में, गूगल डॉक ड्राइव में। तो ये चीज़ क्या होगा, हम उसके रिस्पॉन्स को देखेंगे और उसके हिसाब से उसको उसकी चीज़ डिलीवर कर देंगे। तो इस चीज़ को आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। अब देखिए, हम इसको आगे कैसे प्रोसीड करते हैं। यहाँ पे कुछ चीज़ देखने वाली बात है, समझने वाली बात है, हम इसको यहाँ पे प्रोसीड कर रहे हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे ब्लैंक पेज लेना है। आप चाहें तो यहाँ पे प्रीसेट्स भी ले सकते हैं, पहले से काफ़ी सारे अवेलेबल हैं, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन SRV फॉर्मेट पर भी काफ़ी सारे, और भी यहाँ पर टेम्पलेट्स गैलरीज हैं, ये देखिए काफ़ी सारे आप चूज़ कर सकते हैं। बट हम कोशिश करेंगे कि हम अपना सेल्फ बनाएँ, ठीक है। तो हमको सेल्फ कैसे बनाना है, यहाँ पर ब्लैंक का जो ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर आपको ओके करना है, और ये देखिए आपको इस तरह का टेक्स्ट दिखेगा, ठीक है। और ये जो आपका अब जो ड्राइव तैयार हो रहा है, ये जो फॉर्मेट तैयार हो रहा है, ये आपके उसी अकाउंट पे होगा जो आपने करंट में जीमेल अकाउंट खोला है, उसी जीमेल अकाउंट से सारा वर्क होगा आपका, ठीक है। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे नाम दीजिए, जैसे कि मैं यहाँ पे नाम दे रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या डाला कि जॉब प्रोफाइल, ठीक है। मैं इसके लिए किसके लिए डाल रहा हूँ, जॉब प्रोफाइल के लिए।
और मैं या फिर अदरवाइज मैं इसको इस तरह से आपको समझा रहा हूँ ईजली, ताकि आपको समझ में आ जाए बहुत ही ईजली, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एक तरह का रिक्रूटमेंट, जॉब प्रोफाइल, ठीक है, ओके, जॉब प्रोफाइल। उसके बाद डिस्क्रिप्शंस, यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शंस लिख सकते हैं कि जॉब प्रोफाइल में कैसी जॉब प्रोफाइल, तो मेंशन यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं, मेंशन योर करियर करियर पॉइंट, जैसे कि मैं आपको अगर सिंपल से कहूँ तो आपका जो एक तरह का कंसल्टेंटी कंसल्टेंट सर्विस है, जो आपकी कंसल्टेंसी सर्विस है, उसका आप नाम लिख सकते हैं। फॉर द एग्जांपल, अप्लाई जॉब कंसल्टेंसी सर्विस, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, हम इसको कंसल्टेंट की जगह सी कंसल्टेंसी सर्विस और यहाँ पे सर्विस, ठीक है। यहाँ पे हमने ये मेंशन कर लिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप भी इसी तरह से मेंशन कर सकते हैं। इसको हम प्रोसेस बाय प्रोसेस कर रहे हैं ताकि आपको काफ़ी सारी चीज़ समझ में आ जाए, ठीक है। मेंशन योर करियर पॉइंट। अगर आप चाहते हैं कि एक नोट और देना चाहते हैं अभी, जैसे कि आपको लग रहा है कि नहीं अभी मैं एक नोट और दे दूँ, ठीक है। अब इसके बाद आप चाहते हैं कि एक नोट और देना, जैसे कि अप्लाई जॉब कंसल्टेंसी सर्विस, ठीक है। अब उस आप पोस्ट का नाम देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये एड डिस्क्रिप्शन, ऐसे ही एक डिस्क्रिप्शन और बना सकते हैं। तो मैंने लिखा यहाँ पे जॉब इन इंडिया, ठीक है, और ऑल लेटेस्ट जॉब। यहाँ पे और कोई भी फंक्शन नहीं है, आप समझिएगा, सिर्फ यहाँ पे दो ही फंक्शन है, ठीक है। अब उसके बाद आप देखिए, अभी मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूँ, सिर्फ अपने पास दो ही हैं। अब हम इसमें और एक्स्ट्रा ज्वाइन करना चाहते हैं इस फॉर्म में, ताकि कोई अब इंसर्ट करे अपना नेम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन पे लिखेंगे नेम या फर्स्ट नेम, ठीक है। यहाँ पे हमने लिखा फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये शॉर्ट आंसर टाइप का होना चाहिए, तो हमने शॉर्ट आंसर टाइप किया, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आप आंसर नेम लिखे, अब हमको फर्स्ट नेम डाल दिए, उसके बाद सेकंड, सेकंड फॉर्म में हम डालेंगे यहाँ पे मिडिल नेम, मिडिल नेम, जैसे कि हमने यहाँ पे मिडिल नेम दे दिया, मिडिल नेम होगा उनका, ठीक है। उसके बाद मिडिल नेम के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं थर्ड अगेन यहाँ पे लास्ट नेम, लास्ट नेम के बाद आपको क्या करना है यहाँ पे, अब देखिए हमने यहाँ पे लास्ट नेम डाल दिया ना, लास्ट नेम के बाद हमने यहाँ पे क्या करेंगे, अब उसके बारे में हम और कुछ जानेंगे, जैसे कि सबसे पहले उनका जीमेल, ईमेल, ठीक है, उनका ईमेल शॉर्ट रहेगा, शॉर्ट आंसर में ही रहेगा, वो लॉन्ग नहीं रहेगा। अब देखिए, हमने उनका मेल ले लिया, उनका ईमेल ले लिया, अब हम चाहें तो डेट ऑफ बर्थ भी ले सकते हैं, तो डेट ऑफ बर्थ ले लिए, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ जैसे लिए तो ये देखिए यहाँ पे अपने को चूज़ करना है डेट वाला ये ऑप्शन, ये हमने डेट वाला ऑप्शन चूज़ कर लिया। उसके बाद न्यू में गए, फिर हम यहाँ पे लेंगे जैसे कि जॉब प्रोफाइल में और क्या रहते हैं, और भी क्या चीज़ ज़रूरी हैं, तो यहाँ पे आप देखिए हमने यहाँ पे एक चीज़ और मेंशन कर रहे हैं, यहाँ पे एड्रेस, एड्रेस, ठीक है। एड्रेस किस फॉर्म में रहता है, बेसिकली पैराग्राफ फॉर्म में, तो पैराग्राफ फॉर्म में ले लिए। अब उसके बाद हम चाहें तो यहाँ पे उनका रिज्यूम ले सकते हैं, रिज्यूम, ठीक है, रिज्यूम लिए, तो रिज्यूम उनका कैसा होना चाहिए, अपलोड फाइल टाइप का होना चाहिए, तो ये देखिए हमने यहाँ पे अपलोड फाइल टाइप का डाल दिया रिज्यूम में, कंटिन्यू, ठीक है। तो अब ये जैसे कि अब ये देखिए यहाँ पे रिज्यूम जो शो करेगा वो अपलोड फाइल टाइप का शो करेगा, ठीक है। देन उसके बाद अगेन हम नेक्स्ट में गए,
अब उसके बाद यहाँ पे देखिए और भी क्या जॉब में प्रोफाइल रहती हैं, तो यहाँ पे हम उनके बारे में लिख सकते हैं डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन ऑफ जॉब, यहाँ पे पैराग्राफ टाइप का हो सकता है, ठीक है। अब उसके बाद हम यहाँ पे और जा सकते हैं, हम यहाँ पे ले सकते हैं क्या जी, यहाँ पे एक चीज़ और ले सकते हैं यहाँ पे कि आप मेल हैं या फीमेल हैं, तो यहाँ पे अपन लोग लिख सकते हैं सेक्स यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे अगर इस टाइप का अगर आता है तो मल्टीपल चॉइस आप ले सकते हैं या फिर चेक बॉक्स ले सकते हैं, तो हम यहाँ पे ले रहे हैं कौन सा चेक बॉक्स, ठीक है। चेक बॉक्स में हम ले लिए फर्स्ट ऑप्शन में ले लिए मेल, ठीक है, और ऐड अनदर में ले लिए फीमेल, ठीक है, दो हो गए अपने पास, ठीक है, ओके ले लिए। और उसके बाद अब हम करेंगे कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर हो गया, शॉर्ट में रहेगा कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है। तो ये हमने इतने सारे चीज़ों को कवर कर लिया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसके बाद अब हमको ये सारी चीज़ बना ली है हमने, ठीक है, अब हम इसको चेक करेंगे, ठीक है, ये देखिए प्रीव्यू करेंगे। तो जब हम इसको प्रीव्यू करेंगे तो वो कैसा दिखेगा, वो ये देखिए, अप्लाई जॉब कंसल्टेंसी सर्विस, मेंशन योर करियर पॉइंट, दिस नेम एंड फोटो एसोसिएटेड विथ योर जीमेल अकाउंट। ये अभी अपने आप को शो कर रहा है इतना, ये इतना शो नहीं करेगा, डायरेक्ट कहाँ शो करेगा, जॉब इन इंडिया से। अब देखिए फर्स्ट नेम है तो यहाँ फर्स्ट नेम डाल सकते हैं आप, कुछ मिडिल नेम डाल सकते हैं, लास्ट नेम डाल सकते हैं, ईमेल डाल सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ डाल सकते हैं, ठीक है, एड्रेस डाल सकते हैं, रिज्यूम अपलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन ऑफ जॉब लिख सकते हैं, आप मेल हैं फीमेल हैं टिक कर सकते हैं, ठीक है, और कॉन्टैक्ट नंबर, फिर लास्ट में आप सबमिट कर सकते हैं। जैसे ही आप इसको सबमिट करेंगे तो ये अपने पास कहाँ पे आ जाएगा वो मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे रिस्पॉन्स में, ठीक है, ये रिस्पॉन्स में। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको, जैसे कि हमने यहाँ पे आया, हमने ये सबमिट कर दिया, ठीक है, ये नंबर हमने डाल दिया और ये सबमिट कर दिया। जैसे ही हमने सबमिट कर दिया, अब देखिए यहाँ पे रिस्पॉन्स में आ गया, ये देखिए रिस्पॉन्स वन शो कर रहा है। ऐसे ही मल्टीपल बहुत सारी चीज़ आएंगी, ये देखिए पूरी चीज़ अपने को मिल गई उनकी, ये देखो, ये देखिए दिख रही। अब उसके बाद अगर आप इंडिविजुअल देखना चाहते हैं, जैसे कि मान ली बहुत सारी रिस्पॉन्स आ गए, 50, 100, 200 आ गए, तो आप यहाँ पे एक एक करके देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे वन है, फिर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे सेकंड वाला तो टू आएगा, फिर सेकंड नंबर में जिसकी रिक्वेस्ट आई होगी। अगर आप डिलीट करना चाहते हैं इसको, तो अगर एक साथ डिलीट करना चाहते हैं तो भी मैं बताता हूँ, और एक एक करके डिलीट करना चाहते हैं तो वो भी चीज़ बताता हूँ। एक एक डिलीट करना तो आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, और अगर एक साथ डिलीट करना है तो आप यहाँ पर डिलीट ऑल रिस्पॉन्स कर सकते हैं। अब उसके बाद आप चाहते हैं कि इसको आप किसी पेज पे लगाएं या किसी को सेंड करें इस फॉर्म को, तो सेंड करने के लिए यहाँ पे सेंड में जाना पड़ेगा, जीमेल चूज़ करना पड़ेगा जिसको आप सेंड करना चाहते हैं, जीमेल से सेंड नहीं करना चाहते हैं, लिंक में सेंड करना चाहते हो तो लिंक से सेंड कर लीजिए, इसको पूरा कॉपी करके, यहाँ पे कॉपी की बटन दी है। अगर आप इसको किसी HTML में लगाना चाहते हैं, मतलब किसी चीज़ में लगाना चाहते हैं, ऐसी जगह जहाँ पे आपको ये एम्बेडेड रूप से मिले, मतलब एक तरह से कहा जाए तो एक ऐसा दिखे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे कि ये देखिए, ये मैंने एक ये ब्लॉग पेज लगाया है और ब्लॉग पेज के ऊपर ये इस तरह से इम्प्लीमेंटेड है, ये देखिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस ऑप्शन को चूज़ करते हैं स्क्रिप्ट वाला एम्बेडेड का। ये कब ओके होगा, जब हम अपने इसको अपने इस जैसे ही कंप्लीट हो गया, जैसे हमने इसको बना लिया है, अब इसके बाद हम इसको ओके कर देंगे, उसके बाद जब दोबारा हम इसमें विजिट करेंगे तो हमको ये ऑप्शन दिख जाएगा। तो ये सारा चीज़ है, अब इसको डिलीट करना था, हम इसको डिलीट कर दिए, अब यहाँ पे कोई रिस्पॉन्स नहीं बचेगा, ये देखिए अब ज़ीरो हो गए। आप इसको क्वेश्चंस में आके यहीं पे अपडेट कर सकते हैं, फिर से आप चाहें तो अपडेट कर सकते हैं, नहीं करना चाहते तो एज इट इज़ रहन दीजिए, ठीक है। तो ये आपका पूरा फॉर्मेट तैयार हो गया, अब इसको आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। तो यही चीज़ है कि आपको ये काफ़ी सारी चीज़ें जो आपको इसमें देखने मिलती हैं। तो चलिए अब मैं शायद आपको इसमें काफ़ी सारी चीज़ समझ में आ गई होगी। अब दीजिए इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।